नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन टेक गुरु के और एक न्यू एंड एक्साइटिंग एपिसोड में। दोस्तों, शाओमी की तरफ से फरवरी के मंथ में ऐसे दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, एक है मी 10 और दूसरा है मी 10 प्रो। तो आज का ये वीडियो देखते रहिए, वीडियो पे बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, आपको बताएंगे इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में जो कि फिलहाल लीक होकर आया है, उसके अलावा इन दोनों स्मार्टफोन का जो प्राइसिंग है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और इसका जो लॉन्चिंग डेट है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो गाइस, बिना कोई टाइम गवा के लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। तो गाइस, शाओमी का जो मी 10 एंड मी 10 प्रो है जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और फिलहाल शाओमी इसी महीने में यह स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। फिलहाल इसका जो कोई कॉन्फर्म डेट तो नहीं है लेकिन जो एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट है वो है 11 फरवरी, यानी कि 11 फरवरी को यह दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। फिलहाल जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको लगभग सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है लेकिन कुछ कुछ जगह में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं उसी पिक्स के बारे में जो कि दोनों स्मार्टफोन में आपको सिमिलर देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस का एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon की 865 जो कि Snapdragon की लेटेस्ट चिपसेट है दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको MIUI 11 देखने को मिल जाएगा जो कि Android 10 बेस्ड है। दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको टाइप सी यूएसबी देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं उसी स्पेसिफिकेशन के बारे में जो कि दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोनों स्मार्टफोन में तो आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलता है लेकिन दोनों स्मार्टफोन में जो क्वाड कैमरा का सेंसर है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मी 10 के बारे में। तो मी 10 में आपको देखने को मिल सकता है एक क्वाड कैमरा सेटअप बैक साइड में जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिल सकता है 108 MP का, उसके बाद मिल सकता है 20 MP का एक वाइड एंगल लेंस और उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है 12 MP का बुके इफेक्ट या फिर पोर्ट्रेट के लिए लेंस और उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है 5 MP का एक टेलीफोटो लेंस। मी 10 प्रो की बात करें तो इसमें आपको 108 MP का एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, उसके बाद 48 MP का एक वाइड एंगल लेंस और उसके बाद 12 MP का एक पोर्ट्रेट मोड के लिए दिया रहेगा लेंस और उसके बाद 8 MP का एक टेलीफोटो लेंस। तो दोनों स्मार्टफोन में कुछ इस तरह का कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा और दोनों स्मार्टफोन का जो फ्रंट कैमरा होगा वो 20 MP का होगा। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। तो जो मी 10 है उसमें आपको 40 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, उसके साथ साथ 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा जबकि 10 वाट का रिवर्सेबल वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। जबकि मी 10 प्रो में आपको 66 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, उसके साथ साथ 40 वाट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है। अभी इसी स्मार्टफोन में रिवर्सेबल वायरलेस चार्जिंग होगा कि नहीं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की वेरिएंट के बारे में और उसके हिसाब से मैं इन दोनों स्मार्टफोन का जो प्राइसिंग होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं मी 10 के बारे में। तो मी 10 में आपको ऐसे तीन वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक है 8 GB रैम के साथ 128 GB का NVMe स्टोरेज जबकि दूसरा है 8 GB रैम के साथ 256 GB का NVMe स्टोरेज जबकि तीसरा है 12 GB रैम के साथ 256 GB NVMe स्टोरेज। और इसका जो बेस वेरिएंट होगा उसका प्राइसिंग जो होगा वो 33,000 रुपीस के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो 33,000 रुपीस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल जानते हैं मी 10 प्रो के बारे में। तो मी 10 प्रो में भी आपको तीन ऐसे वेरिएंट देखने को मिलेगा जिसका बेस वेरिएंट होगा 12 GB रैम के साथ 128 GB का NVMe स्टोरेज और इसका जो प्राइसिंग होगा वो लगभग 39,000 रुपीस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट निकल के आता है वो 12 GB रैम के साथ 256 GB का NVMe स्टोरेज और इसका जो प्राइसिंग होगा वो लगभग 42,000 रुपीस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो तीसरा वेरिएंट निकल के आता है वो 12 GB रैम के साथ 512 GB NVMe स्टोरेज जिसका प्राइसिंग अराउंड 47,000 रुपीस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन MI 10 और MI 10 प्रो के बारे में जो कि लीक होकर फिलहाल निकल के आ रहा है और ये दोनों स्मार्टफोन आ रहा है Xiaomi की तरफ से और Xiaomi का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है
और इसी साल का सबसे पहला जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से आ रहा है वो है Mi 10 एंड Mi 10 Pro। और हालांकि Xiaomi की तरफ से ये न्यूज निकल के आ रहा है कि 2020 में मैक्सिमम जितना भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करेगा Xiaomi सारे स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा। इसके पहले Xiaomi का जितना भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन रहता था वो इंडिया में नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ चाइना पे मिलता था, लेकिन फिलहाल इंडिया में भी ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अब इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 11 फरवरी इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट है, तो 11 फरवरी को ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। तो गाइस आज का ये वीडियो बस इतना ही था, जिसमें मैंने आपको बताया Mi 10 एंड Mi 10 Pro के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आप क्या सोचते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर कहते हैं दोस्तों आपको फिर से मुलाकात होगा मेरी अगली वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।